सिटी से हमारे ब्यूरो चीफ अब्रार हुसैन के मुताबिक शेख जहूर अहमद ने NA-49 में मलिक अमीन असलम इंतखाबी निशान घड़ियाल और सैयद इजाज़ बुखारी इंतखाबी निशान फ्रिज की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक प्रेसिडेंट PTI और उम्मीदवार कंटोनमेंट शेख जहूर अहमद ने कहा कि हमारा इंतखाब मलिक अमीन असलम है, जो कि तलीम याफ्ता और ईमानदार होने की वजह से हमारे वोट का सही हकदार है। शेख जहूर अहमद ने मजीद कहा कि मेरा ताल्लुक अमीन असलम के साथ है, हम हमेशा की तरह वफा करके दिखाएंगे। शेख जहूर ने सियासी हरीफों की भरपूर मुखालफत के बावजूद शानदार जलसा मुनक्किद करके अवाम के दिल जीत लिए। हमारा इंतखाब पढ़ा लिखा, ऑनेस्ट और ईमानदार और आपकी वोट का सही हकदार मलिक अमीन असलम हाल है। बाकी हम सारे जो भी कैंडिडेट हैं, हम सब के साथ चले हैं। मेरा असल से शुरू से तलक मलिक अमीन असलम ग्रुप से था, है और रहेगा। मैं तो दर्द मैं आप दोस्तों भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुनाफिक आदमी को वोट कभी ना दे। जो सीधी बात करने वाला हो, हक की बात करने वाला हो और हो सच्चा और खुद उस पे करप्शन का दाग भी ना हो, उसकी बात को माने और उसे वोट दे। ये जो लोटा गिरिया मेंढा ग्रुप चितंडा ग्रुप, मैं अभी किसी की बात नहीं करता, मैं वादाउला शरीक की कसम उठा के कहता हूँ आप सबके सामने, मैं किस PTI के बड़े ग्रुप के साथ मुलाकात करने के गया था और उसने खान साहब के अलावा अपने ग्रुप की ज्यादा तारीफें की, इसलिए मैंने उसमें शमूलियत नहीं की। हम सब का यार, आपका यार, कैदी नंबर 804। मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर क्या है असल, उसके जो वोट के हकदार हैं कैदी के, वो मलिक अमीन असलम साहब हैं। इन्होंने वफा उससे की, वफा करेंगे और वफा का वादा भी करते हैं। मैंने हर बात में कभी मुनाफ़त नहीं की। मैंने अपनी वोट ऊपर वाली घड़ियाल के लिए मांगू का और नीचे वाली फ्रिज के लिए मैं मांगू का हर बल्ले से। आगे किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है,